कई लोग सोचते हैं क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ जब आप पहली दूसरी तीसरी वीडियोस बनाते हैं आपको पता लगता है कि कमियां क्या है। दूसरा, आप कैमरा फ्रेंडली होते चले जाते समझो जरा, कैमरा को फेस करोगे तभी तो कैमरा फ्रेंडली होगा। आज मैं इतना विचार क्यों बोल लेता हूँ, मेरे सामने कौन है, स्टूडियो खाली है समझ रहे हो, और सामने एक कैमरा है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। कई लोग तो मुझे पागल कहेंगे, बाहर से देखे तो पागल हो गया आदमी, अंदर कौन बैठा है। आज मैं कैमरा फ्रेंडली क्योंकि मैं तो समझता हूँ कैमरे को मुझे समझाना है, क्योंकि कैमरा ये सारी चीज आपको बता रहा है। तो जब आप पहली वीडियो डालते हैं चाहे वो कैसी भी हो, उसमें एक एडवांटेज होता है, एक फायदा आपको मिलता है, वो क्या, वो आपको कैमरा फ्रेंडली बनाती है। वो आपको ये दिखाती है कि आप कैमरा पर कैसे दिख रहे हो, आपको ये दिखाती है कि आपकी जो पहली वीडियो है जो आपने बनाई है उसमें साउंड क्वालिटी क्या है। वो आपको ये दिखाती है कि आपने कितनी बार गलतियां करी, आपको ये दिखाती है कि आप कितनी बार हेजिटेट हो रहे थे, वो आपको ये दिखाती है कि आप कितनी बार नर्वस हो रहे थे। इन शॉर्ट कहूं कि आपको ये दिखाती है कि आपकी कितनी बार फट रही थी, जबकि सामने कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक कैमरा था। लोग जनरली बोलने से डरते नहीं है, लेकिन कैमरा के सामने हालत खराब हो जाती है।